from Ajmer bus terminus, we boarded the bus to Pushkar. We passed by the beautiful Anna Sagar Lake, which was dug under the patronage of King Annaji Chauhan, who was the grandfather of the last Hindu king, Prithviraj Chauhan. Atop the Aravallis, the statue of Prithviraj Chauhan seemed to look at the city of Ajmer, which was the capital of his kingdom. The next morning, we proceeded towards the Pushkar Lake to take the holy dip. By the banks of the Pushkar Lake, which is one of the holiest Hindu pilgrimage sites. Starting from Mahabharata to the Chronicles of Al-Biruni or Fahian, all mention Pushkar as a revered site, as no pilgrimage is considered complete without taking a trip into the holy lake. जल के जाओ तो 52 घाट है, नगर में एक हजार टेम्पल है। यहाँ कोई टेम्पल में गृहस्थी का जब भूल प्रसाद पूजा दक्षिणा नहीं होता है। ये सामने पहाड़ी पे देवल देख रहे हैं, ये ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता, इसको महाराष्ट्र में मम्मा देवी नाम से या सावित्री नाम से, कलकत्ता में माँ काली के नाम से पूजी गई है। जो भी यात्री आता है यहीं स्नान करता है, स्नान करता है, नहाने का हाथ पैर धो के इसी जल को फूल प्रसाद की पूजा पाठ अर्पण करता है। ये सत्यों का धाम पुष्कर है, गंगा माता है, प्रयाग राजा और पुष्कर गुरु है। जो भी आता है इस जल के लिए आता है, राजा रंग फकीर ये सब राजा रजवाड़ा के बनाए हुए 52 घाट है। एक हजार में ठाकुरवाड़ी है, कोई ठाकुरवाड़ी फूल प्रसाद नहीं चढ़ता है ना दादा। अभी देखो पैर जमा के रखने का घसना है कि आराम स्नान करो, स्नान करके 21 रुपये का थाली आएगा, इसे जल को चढ़ाया जाए। Thank you.
ब्रह्मा का बेटा नारद, नारद ने माता पिता में लड़ा दिया, झगड़ा दिया। ब्रह्मा ना दो पत्नी हुआ, सावित्री दूसरा गायत्री। सावित्री को आने में यज्ञ में टाइम लगा, और दूसरा पत्नी को देख के वो माता नाराज होके आपके पति को श्राप दिया, जाओ ब्रह्मा आपका मंदिर पुष्कर में एक ही रहेगा, और भारत भर में कहीं नहीं रहेगा। दूसरा श्राप दिया या गृहस्थी लोग आएगा उसका, चलो जल पूजा देगा और मंदिर की ओर प्रणाम देगा, मंदिर का टीवी बिंदी पूजा बोले कहीं नहीं है, एक ही जगह पूजा ला गई। प्रत्येक में राजा आया, नहाने का 52 घाट नुआया, 1000 मंदिर बना। 3 काम से यात्री आता है, राज्य कुछ ही आता है, ये 11 रुपये का प्रसाद पूजा देता है, मंदिर केवल प्रणाम देता है। दूसरा कार्य पितराना पिंडा हुए, राजा रामचंद्र जी आया, अपने माता पिता दशरथ कौशल्याबाई का पिंडा दिया, गया जी में करता हुआ आया, पुष्कर आया तो बालू मिट्टी का पिंडा बनाया, रेत का पिंडा बना के रामघाट पे पिंडा दिया। ये बोला कि गया जी में तो माता पिता का यहाँ 7 कुल का पिंडा होता है, ये 11 रुपये का तो पूजा आता है, पिंडा का सामग्री 101 का आता है। ये पुष्कर हमें पति ना चलने लगा, तुम्हारा नेत्र ने लगवाणो, हमें आशीर्वाद दो पत्नी ने, खड़े झगड़े नहीं, जोड़ा बना रहे, लड़ना झगड़ना नहीं है, यही आशीर्वाद हुई। बोलो सावित्री मैया सुहाग बाग बना रहे और मेरा भगवान पुत्र द्वारा देवे, हाथ जोड़ लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम से आयु के तीन धनवान चोकना जोड़ा जोड़ी बना रहे। It is said that Lord Brahma killed the demon Vajranabha with a lotus whose petals drifted down to Pushkar to form the holy lake. In order to cleanse himself from the sin of killing, he performed a yajna in Pushkar where his consort goddess Saraswati failed to make her presence. To complete the ritual, he married a Gurjar girl by passing her through a cow who later on came to be known as Gayatri. This is just a myth, and there are many other reasons that is mentioned in different religious texts. Pushkar houses one of the oldest Brahma temples of India. So without wasting any more time and getting into more controversies, let's proceed to pay homage. The ancient temple town has evolved in a unique style. While it successfully holds the deep-rooted ethos, the thriving cafes have a European touch, which cater to its foreign visitors. And the sacred beads juxtaposes with the beautiful dream catchers. Thank you.
photography is not allowed inside the temple of Brahmaji. The orange-colored temple represents the fiery attribute of the Lord. There are lots of temples in Pushkar, but it can easily be covered in a day. And with some great memories, we headed for our next destination.